हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम टू साइबर ट्रेड। मैंने हाल ही में अभी एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तरीके से आप काली लिनक्स को VMware में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब ये वीडियो होने वाली है वर्चुअल बॉक्स के ऊपर कि आप किस तरीके से वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। अब दोस्तों, हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स के लिए, और हमें वर्चुअल बॉक्स भी डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में चलते हैं। ब्राउज़र में जाने के बाद आप सर्च कीजिए काली लिनक्स। आप इस पहले लिंक पे चले जाइए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके इस वेब पेज पर आ सकते हैं। अब हम यहाँ से डाउनलोड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पेज आ जाएगा। हम वर्चुअल मशीन के लिए काली को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम वर्चुअल बॉक्स के लिए काली को चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। बट मैंने इस फाइल को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है अपने कंप्यूटर में। दोस्तों, इस फाइल को जब आप डाउनलोड कर लें तो इसके बाद आपको एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम वर्चुअल बॉक्स बोलते हैं। हम सर्च करेंगे वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसे यूज़ करने के लिए आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फ्री यूज़ कर सकते हैं। हम ओरेकल की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको वर्चुअल बॉक्स 7.0 मिल जाएगा। आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेब पेज आएगा। अब आप किस प्लेटफॉर्म के लिए वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, या लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम विंडोज़ के लिए चाहते हैं तो हम विंडोज़ होस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये वर्चुअल बॉक्स की फ़ाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्चुअल बॉक्स का साइज़ 106 MB का है। अब दोस्तों, यहाँ पे ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, हम शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब हम इस फाइल को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे, जिसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हम डबल क्लिक करेंगे सेटअप पर, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट, इसके बाद हम यस करेंगे और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इस सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स का कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फिलहाल हमने जो काली लिनक्स की वर्चुअल बॉक्स के लिए फ़ाइल डाउनलोड की थी, हम उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आप एक्सट्रैक्शन के लिए विनरार सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। मैं विनरार सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अब वहां से जाके विनरार सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहां पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहां पे एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे सक्सेसफुली फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब दोस्तों, ये जो फाइल है, इन्हें इंपोर्ट कराना है हमें वर्चुअल बॉक्स में। अब वर्चुअल बॉक्स में एक इंपोर्ट कराने का फीचर ज़रूर मौजूद है, बट हम इस फीचर की हेल्प से इन फाइल्स को इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे। इन फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल स्टेप है। ये जो ब्लू वाली फाइल है, जिसका टाइप है वर्चुअल मशीन, आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। आप जैसे इस पर डबल क्लिक करेंगे, वो फाइल यहाँ पर इम्पोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस मशीन को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेस मेमोरी 2GB है, यानी कि इसकी जो रैम है वो 2GB है, तो आप इसकी भी वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं। हम इसे ओके कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी 4GB रैम हो चुकी है। वैसे ही आप इसकी प्रोसेसिंग कोर को भी बढ़ा सकते हैं। अब हम यहाँ पर काली लिनक्स को ऑन करेंगे। ऑन करने का भी काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप यहाँ स्टार्ट वाली बटन पर क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ये प्रिपेयर हो रही है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ये काली लिनक्स बूट हो चुकी है। यहाँ पे हम अपने वर्चुअल बॉक्स को बूट होते हुए देख सकते हैं। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। अब दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है, ये अपने आप लोड होगी। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि हमारा समय बच जाए। दोस्तों, इस प्रोसेस में मुझे 10 मिनट के आसपास का समय लगा है, आपको भी वेट करना है। अब हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, आपको जो यूज़र है, यूज़र के नेम में लिखना है काली, और याद रहे ये सब स्मॉल लेटर्स में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और पासवर्ड भी हमें काली ही एंटर करना है। ये इसका यूज़र नेम और पासवर्ड है।
आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप काली लिनक्स में लॉगिन हो जाएंगे। अब दोस्तों ये काली का इंटरफेस है जिसमें हमें कई सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं जो कि एथिकल हैकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।